आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। गोरखपुर से है, जहां जमीन की जालसाजी करने वाले नटवर लाल ओम प्रकाश उर्फ ओपी पांडे के घर को आज कुर्क कर दिया गया है। ओम प्रकाश को कुछ दिनों पहले ही पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया था, जो गैंगस्टर का आरोपी है और 25,000 का इनामी भी था। इस शातिर के खिलाफ अकेले गोरखपुर में ही 29 मुकदमे दर्ज है। कैंट पुलिस ने ओम प्रकाश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की है और घर पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। इस दौरान तहसीलदार और पुलिस की टीम भी मौजूद रही। खबर औरैया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अभियान चलाकर जिले के 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जनपद औरैया में उच्च अधिकारियों के निर्देशन में कुशल मार्गदर्शन में वांछित अपराधियों जिला बदर पहले से जो विभिन्न उनके खिलाफ अंडर ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सभी 10 थानों में से 20 सिटी में गठित करके दबिश कराई गई और 15 वारंटी गिरफ्तार किए गए और 10 वांछित आरोपियों में 3 जिला बदर को गिरफ्तार किया गया है। इन सबके खिलाफ मामले चल रहे हैं, इन सबको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है और विधिक कार्यवाही भी की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल मार्गदर्शन में वांछित अपराधियों जिला बदर और जो विभिन्न न्यायालय से NBW के जो अपराधी हैं उनके संबंध में ऑपरेशन थंडर स्ट्राइक चलाया गया था, जिसमें सभी 10 थानों से 20 टीमें गठित करके दबिश कराई गई और जिसके परिणाम स्वरूप 15 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। बदायूं जनपद के थाना हजरतपुर में थाना समाधान दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह ने औचक निरीक्षण किया और समाधान दिवस में आए हुए लोगों की शिकायतों को सुना, जिसमें उन्होंने शिकायतों के निस्तारण के लिए थाना प्रभारी राजकुमार सिंह को निर्देश दिया कि सभी शिकायतें जल्द ही निपटाई जाएं, जिससे कि दोबारा थाने आने की लोगों को जरूरत ना पड़े। बता दें कि थाना दिवस पर 10 प्रार्थना पत्र आए, जिसमें 2 को प्रार्थना पत्रों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, बाकी को क्षेत्र के संबंधित लेखपाल और क्षेत्रीय थाना उपनिरीक्षकों को दिशा निर्देश दिया गया। लेखपालों को लेकर इन शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द कराया जाएगा। फरीदाबाद बदरपुर बॉर्डर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद कोर्ट में फर्जी कागजों को पेश कर जमानत देने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक इनका एक साथी मास्टरमाइंड है, फिलहाल वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ये सारा गोरख धंधा पिछले 2-3 सालों से फरीदाबाद कोर्ट में फल फूल रहा था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे खेल में कई वकील शामिल हैं, जांच में वो दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खबर अलीगढ़ से है, जहां हर रोज चोरों के मनोबल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि बीते दिन कस्बे में हुई लगातार चोरियों का खुलासा अभी हुआ नहीं था, लेकिन एक बार से फिर चोरों ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया है और पुलिस को एक बार फिर इन्होंने चेतावनी दी है। दरअसल चोरों के द्वारा बंद मकान में मुख्य गेट के कुंडे को तोड़कर घर में रखे सामान पर हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। मकान मालिक के ना होने की वजह से सामान और कीमत का सही अंदाजा नहीं लग पाया है, तो वहीं मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मेरे पास यहाँ से फोन जाता है, मेरे यहाँ किराए पर दुकान है, मेरे पड़ोस का ताला टूटा हुआ है। मेरे पड़ोस में जो किराए पर रहते थे करण जी, वो किसी शादी समारोह में बाहर चले गए थे। जब यहाँ आके देखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, पुलिस मौके पर आई, उसको अंदर देखा तो पूरा सामान फंस पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ बहुत महंगी महंगी वस्तुओं चोरी होने की आशंका है। वो क्या हुआ है वो करण जी आकर बताएंगे। किराएदार रहते हैं कर्मपाल, जिसका करण सिंह जिसका जो शादी में गए हुए थे और उनके घर में चोरी हो गई है और वो जो है इस टाइम यहाँ पर नहीं है,
और वो आकर इसकी घटनास्थल पर आकर ही बताएंगे कि क्या क्या सामान गया है, पुलिस को सूचना दे दी गई है एवं अन्य सभी को भी समाज को सामान फैला पड़ा है। खबर कानपुर से है जहां के बर्रा थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक ने मानसिक विक्षिप्त दलित नाबालिग को डरा धमका कर हवस का शिकार बना डाला और नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद युवक नाबालिग को ब्लैकमेल करने का और शोषण करता रहा। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों के द्वारा नाबालिग के भाई को पता चली तो पीड़ित दलित परिवार ने पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिस पर पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं नाबालिग का मेडिकल हुआ तो नाबालिग गर्भवती खबर कानपुर देहात से है जहां के भोगनीपुर तहसील के दौलतपुर घाट पर इस समय दो खनन पट्टे चल रहे हैं। सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में कुछ लोग सत्ता की हनक दिखाकर पोकलैंड मशीनों से खनन करने में लगे हुए हैं। तो वहीं जिले के अधिकारियों को इसकी पूरी जानकारी मिली, इस पर वो कोई सख्त कदम उठाते भी तो सिर्फ मामूली दिखावे के लिए कार्रवाई की जाती, जिसके बाद फिर से वैसे ही खनन माफिया पोकलैंड मशीनों को नदी में खनन करने लगते। खनन अधिकारी जब मौके पर जांच करने पहुंचे तो जब इसकी जानकारी पत्रकारों को हुई तो वो भी मौके पर पहुंच गए तो खनन अधिकारी पट्टेदारों का साथ देते दिखे। देखने वाली बात ये होगी कि इन खनन माफियाओं पर कब कार्रवाई होती है। दिक्कत नहीं है, पोकलैंड चला सकते। कितनी पट्टा है? लीगल पट्टा नहीं, वो ठीक है, लेकिन पोकलैंड का भी तो परमिशन होता है। कितनी भी पोकलैंड चला सकते, कितनी भी हां चला सकते। पट्टा है, पानी के अंदर से पानी के अंदर से बालू निकाल सकते हैं। पानी पानी आ रहा है, वाटर लेवल आ रहा है, पानी आ रहा है, है ना? पानी के अंदर से निकाल लेंगे। पानी के अंदर नहीं है, वाटर ऊपर ही है। दोनों तरफ पानी के बीच से रास्ता बना लिया। ये इस तरह का हरकतें नहीं करें। आपको मैंने सीधा बताया कि मैं आपसे बात कर लूंगा, आप चूरे चुके बना रहे हो, ये तरीका नहीं होता। आपको मैं पुराना जानता हूं। ये देखो रास्ता बन गया, बीजेपी के साथ भी आए थे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मदरसा इस्लामिया अरबिया जामे उल हुदा में बच्चों और शिक्षकों ने सुबह होने वाली दुआ में राष्ट्रगान गाया। यहां के अध्यापकों का कहना है कि ये मदरसा 1954 में स्थापित हुआ था। मदरसे में देश प्रेम की भावना से वर्षों से राष्ट्रगान गाया जाता रहा है। तो वहीं यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड परिषद ने मदरसे में राष्ट्रगान गाए जाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मदरसों में भी अब राष्ट्रगान गाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो ये बच्चों की दुआ के साथ हमेशा से गाया जाता रहा है और आज भी गाया गया है, इसका मामूल पहले ही से है। तो इससे बच्चों में एक नई शिक्षा की लहर दौड़ती है, मतलब बच्चों में राष्ट्र प्रेम जागता है उससे? जी जी, ये तो बहरहाल कौमी तराना है और इसके पढ़ने से बच्चों के अंदर देशभक्ति और खुद पत्नी का जज्बा पैदा होता है और होना भी चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के दर्रे दर्रे से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, यही हमारा वतन है, यही शिक्षा हम। खबर लखीमपुर खीरी से है जहां रेलवे ट्रैक के किनारे नव विवाहिता का शव मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद स्वीटिन के मायके और ससुराल में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को सील कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच में जुट गई है। लड़की जो है वहाँ हमको सूचना 5:23 पर मिली है लड़की के फोन से कि आपकी लड़की का यहाँ मर्डर हो गया है। स्वीटी देवी आपकी लड़की? मैंने कहा तो कहा यहाँ आपकी लड़की पड़ी हुई है। तो हमने इनके घर फोन किया, हमने कहा स्वीटी कहाँ है, लेकिन ये तो कॉलेज गई थी। तो हमने कहीं हमने हम इनको बताया कि हमको सूचना मिली कि लड़की मर्डर हो गया वहाँ बिरिया तारन के पास रेलवे ट्रैक के पास में। तो कहा हाँ पता तो है। तो हम कहें ठीक है, फोन काट देने हम। खबर संभल से है जहां चमन सराय के रहने वाले 3.5 फीट के मोहम्मद रेहान की शादी जनपद के शहबाद की रहने वाली 3 फीट की लड़की से हुई। रेहान की बारात को देखने बच्चे बूढ़े सभी लोग आए। तो वहीं रेहान को सोशल मीडिया और फोन पर शादी की बधाई दे रहे हैं लोग। रेहान की शादी संभल में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो
बहुत खुशी का मुकाम है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आज मेरी शादी, कई बरसों के बाद मेरी शादी। कब से आप इंतजार कर रहे थे अपनी शादी? मैं काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा था, मगर आज अल्लाह ने मुझे वो दिन दिखाया कि जिसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी आगे के लिए। और खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा की 2.61 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस प्रशासन ने शिक्षा माफिया के आईटीआई कॉलेज की बिल्डिंग कुर्क कर दी है। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श गाँव स्थित इस बिल्डिंग को पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कुर्क किया है। ये थाना कोतवाली की शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा के ऊपर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा 1775/16 दर्ज किया गया था। उसी मुकदमे में आज श्रीमान जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्की करने के आदेश दिए थे। इस कुर्की में जो ये आदर्श बाजार स्थित आईटीआई कॉलेज है, इसकी इमारत की कुर्की की जा रही है। ये आज जिला प्रशासन जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत ये कुर्की की गई है। ये राजेंद्र कुशवाहा की आईटीआई कॉलेज है, इसकी कुर्की की जा रही है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।